जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज मींस रिवीजन। तो जो भी सामने आएगा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड रिवीजन मैं आपको साथ साथ कराती जाऊंगी। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इवेल्युएट करना है, दैट मींस मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आई और आई के कुछ पावर, तो बहुत छोटा सा रिवीजन। आई होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर फिर बन जाता है -1, आई क्यूब आता है -i, और आई टू दी पावर 4 होता है 1, ठीक। तो बस इतनी सी चीज़ हमें याद रखनी है और हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर पाएंगे। ये कितना है, आई टू दी पावर 18 है। यू कैन ब्रेक इट एज 16+2, 18 को 16+2 प्लस 1 अपॉन, इट इज आई टू दी पावर 25, सो यू कैन ब्रेक इट एज 24+1। ये अब रिवीजन है, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसको 4 का मल्टीपल बना दिया, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ये हो गया आपका ऐसे, है ना, और ये हो गया, मेरे को इसको 4 × 6 लिख लेना चाहिए, × i, ये हो गया होल क्यूब, ठीक। i टू दी पावर 4 बेटा कितना होता है, 1 होता है, है ना। तो ये 1 टू दी पावर 4, दैट मीन्स 1 क्या रह गया यहाँ पर, i स्क्वायर, और यहाँ पर 1 अपॉन आई होल क्यूब। आई स्क्वायर मीन्स -1, है ना, और 1 अपॉन आई को हम रैशनलाइज कर लेते हैं तो आई अपॉन आई स्क्वायर आता है, तो 1 अपॉन आई इज इक्वल टू -i। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, अक्सर 1 अपॉन आई माइन, अक्सर क्या मतलब, आता ही है। कैसे आप इसको रैशनलाइज करते हो, i और नीचे आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो क्या होगा कि धीरे 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 हमें हर चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हो गया, अब इसमें आप माइनस कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, 1+i होल क्यूब, यहाँ करो होल क्यूब, है ना, इधर से हमने माइनस कॉमन लिया। अब माइनस का क्यूब बाय चांस माइनस ही होता है, तो ये हो गया 1+i होल क्यूब। अब हम इसको a+b होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल देंगे। लिखूँ क्या, आपको याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस 3a² b से 3i आ जाएगा, 3ab² से 3i² आ जाएगा, और फिर आएगा आपका i क्यूब। 1+3i, आई स्क्वायर मीन्स -1, तो ये हुआ -3, और i क्यूब मीन्स -i, माइनस ये हो गया आपका 1 - 3 से -2 प्लस 2i, ठीक। माइनस को अंदर लीजिए, 13 तुझको अर्पण वाला काम, पहले बाहर लिया था फिर वापस अंदर, 2 - 2i आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ अपना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर टू इज दिस, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2, प्रूव दैट रियल z1 z2 इज इक्वल टू रियल z1 × रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 imaginary z2। इसका देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग लिखने का जो प्रोसीजर है वो सेम है, re ही लिखा जाता है, यानी कि z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करो और उसका रियल पार्ट लो, और ये इक्वल होना चाहिए इनके अलग अलग रियल पार्ट के मल्टीप्लिकेशन माइनस अलग अलग इमेजिनरी पार्ट के मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट के, ठीक है। और Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो ये हमारी चॉइस है, हम इन्हें कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं, लेट Z1 एज a+ib एंड Z2 इसको आप इमेजिन कर लीजिए c+id, ठीक। अब जो हमको प्रूव करना है वो जो है टू प्रूव, वो भी यहाँ लिख लेते हैं, टू प्रूव है रियल z1 z2, ओके, इज इक्वल टू रियल z1 × रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 और इमेजिनरी z2, ओके।
तो ये मुझे प्रूव करना है। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि टू प्रूव जब भी हो पहले आप LHS सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, RHS से LHS में भी आ सकते हो और LHS से RHS में तो आ ही सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि LHS टू RHS आना पॉसिबल नहीं होता या बहुत मुश्किल होता है तो हम RHS ले लेते हैं। और कभी तो ऐसा होता है कि LHS से RHS आती ही नहीं है, फिर LHS को सिंप्लीफाई करके छोड़ देते हैं, फिर हम RHS लेते हैं और RHS को भी सिंप्लीफाई करते हैं और दोनों की सिंप्लीफाइड फॉर्म सेम आ जाती है तो भी प्रूव हो जाता है। अब हम पहले क्या करेंगे बेटा, LHS लेते हैं, क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1.Z2। तो पहले हम ये LHS है, उससे भी पहले हम Z1 into Z2 निकाल लें। Z1 into Z2 यानी A+IB into C+ID। तो ये क्या आ जाएगा, A into C AC। और रियल पार्ट में और क्या आएगा, IB into ID। देखो बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, A into C से AC आएगा, रियल पार्ट होगा, और IB into ID ये क्या होगा, I² BD होगा ना, ये क्या होगा, I² BD होगा। I² क्या होता है, I² होता है -1, तो ये आ गया आपका -BD। और इमेजिनरी पार्ट I, IB का C से मल्टीप्लीकेशन होगा तो BC, ID का A से मल्टीप्लीकेशन होगा तो AD। अब आप बोलोगे मैम ये तो आपने बम ब्लास्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, आप क्या करो पैदल चल लो, है ना, A को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस IB को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर रियल अलग और इमेजिनरी अलग करो, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। तो अब मुझे क्या चाहिए, Z1.Z2 का केवल रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है, ये है ना। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं LHS, वहाँ से LHS कट कर देना, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना। तो ये रियल Z1 Z2, ये क्या आ गया, ये आ गया AC-BD। ओके, ये हमारी LHS हो गई। अब कम टू द RHS, RHS में हमको चाहिए रियल Z1.Real Z2 -ImaginaryZ1.ImaginaryZ2, ठीक। रियल Z1 क्या है बेटा, A है ना, रियल Z2 क्या है, C। एक देखो Z1 क्या था, A+IB था, और Z2 क्या था, C+ID, यही लिया था ना हमने। तो रियल Z1 A, रियल Z2 C, ओके, माइनस इमेजिनरी Z1 B और इमेजिनरी Z2 D, ठीक। तो ये सेम आ गए। एक और सिंपल, मेरे को करते करते ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा सिंपल तो ये होता, हम लिखते LHS रियल Z1 Z2, हाँ, और फिर हमारा आंसर आता AC-BD, फिर हम यहीं पर A को लिख देते रियल Z, C को लिख देते रियल Z2, ये Z1 Z2, इसको लिख देते इमेजिनरी Z1, इसको लिख देते इमेजिनरी Z2, तो ऐसे कर लेते। अभी हमने क्या किया, LHS आ गया, जो आया वही RHS आ गया। तो हम एंड में क्या लिखते हैं, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, यही तरीका होता है ना। चलिए हमारे दो क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व करके रख दिया। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, पहले हम LCM लेंगे, LCM लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारी ये आ चुकी है और ये तो साथ में चल रहा है, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में ये आ गया अपना फाइनल। अब इसके बाद इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 33, 31, 28 थोड़े भारी भरकम नंबर थे तो मैंने उनको पहले मल्टीप्लाई वगैरह करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपके लिए रख दिया, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही था तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, इफ X-IY इज इक्वल टू √A-IB upon C-ID। हिंदी वाले इंग्लिश वाले एक ही बात है बेटा, यदि ऐसा है तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, X² + Y² = A² + B² / C² + D² इसका जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये इसको थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से
अलग बना रहा है, है ना। ऐसे तो अभी हमने देखा नहीं है। कुछ रिवीजन यहाँ पर भी चाहिए, वो रिवीजन ये है बच्चों, इधर देख लो। अगर दो जो हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉन्जुगेट लो, या फिर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, सेम रहता है। रूल नंबर वन ऐसे याद रख लो, समझ लो कि Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। कॉन्जुगेट मतलब हिंदी वाले समझ रहे होंगे, संयुग्मी। दूसरा रूल होता है, अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें, या फिर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये भी रिजल्टेंट्स सेम आते हैं, रिजल्ट्स सेम आते हैं, ठीक है। थर्ड होता है यही सेम चीज़ डिवीजन के लिए, ठीक। इन डिवीजन हो रहा है कहीं पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और उसका हमें कॉन्जुगेट लेना है, तो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स के डिवीजन के इक्वल, यानी उनके अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो तो उनका डिवाइड कर लो, रिजल्ट सेम आते हैं। तो ये तीन रूल्स हैं बेटा, ये याद रखिएगा। बट इन तीनों में से यहाँ तो कोई भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट, तो मुश्किल हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले स्क्वायर रूट को हटाते हैं, जो हमको दिया है उसको एक बार फिर से लिख लिया जाए। एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। अब क्या लिख दीजिए आप यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक। हिंदी वाले लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। तो ये तो हो गया x माइनस आई वाई होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ सिर्फ स्क्वायर रूट का साइन हटा, बस बाकी सब जस का तस, केवल स्क्वायर रूट का साइन हट गया। इसका स्क्वायर कर दूं बच्चों, आप थोड़ी सी परमिशन दो डायरेक्ट करने की। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आई, आप कर लीजिएगा, इट्स इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, ठीक। अब तो हम ले सकते हैं ना ये वाला रूल, मतलब दोनों तरफ का हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं ना, इसको समझो ऊपर नीचे जो है ना, इसको आप 1+0.i समझ लो, हाँ। और इंडिविजुअल का ये जो है कॉन्जुगेट इक्वल होगा नहीं इसका, और इसका दोनों का लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इसके कॉन्जुगेट में यहाँ प्लस, इसके कॉन्जुगेट में यहाँ प्लस, तो इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ द साइड्स, taking conjugate of both the sides, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने पर, ठीक है। तो इधर का तो आपने देख लिया था, क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस था ना, तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई आई, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, एंड इट विल बिकम योर इक्वेशन नंबर टू। एक्सक्यूज मी, इट शुड बी माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ओके। यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। अब ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर टू। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर हम गुणा करते हैं, ठीक। अब देखो बेटा, ये क्या है आपका, एक तरह से a है, a माइनस बी, और यहाँ पर a प्लस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन जाता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए है आपका, ए माइनस आएगा बच्चों, माइनस, हाँ ये ए है और ये आपका बी है, ओके ना, ए प्लस बी और यहाँ पर ये ए है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे भी सेम है, देखो ए माइनस आई बी और यहाँ पर ए प्लस आई बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए सी माइनस आई डी और यहाँ पर क्या है सी प्लस आई डी, तो ये भी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई डी होल स्क्वायर। मतलब सर्वत्र ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अभी देखो क्या आया, यहाँ से आपको मिलने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, ये आपका हो गया फोर, ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में आई स्क्वायर, हाँ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर बेटा यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ आप समझो ध्यान से, ए माइनस बी होल स्क्वायर है मान लीजिए और मैं उसमें प्लस फोर ए बी कर दूँ, तो क्या वो ए प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, होगा, क्यों होगा, देखो मैं आपको बताऊँ, इसको ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा ना, और ये पास में कौन फोर ए बी हो गया, तो अब ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस फोर ए बी, देखो माइनस टू ए बी प्लस फोर ए बी से ये क्या बन गया टू ए बी बना ना पॉजिटिव, माइनस टू प्लस फोर और पास में कौन है बी स्क्वायर, तो देखिए ये बन गया, ये बन गया ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो और प्लस फोर ए बी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका उल्टा भी करेक्ट, अगर ये प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप एक नया फॉर्मूले की तरह से इसे समझ लो। तो अब ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, हो गया ना ये, तो अब एग्जैक्टली ये किस में कन्वर्ट होने वाला है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी था वो बन गया a प्लस बी, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तो ये हो गया। और सामने क्या है, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो एकदम साफ सुथरा सा यहाँ लिख दिया जाए, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन है, हटकर है थोड़ा सा, एक बार इसको शॉर्ट में रिपीट कर दूं, ये आपका क्वेश्चन था, डायरेक्ट हम कुछ भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते थे इसलिए हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद सॉरी ये रहा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि प्लस, देखो ना ये प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर होता है माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आ गया। फिर हमने दोनों तरफ का कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट लेने से ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, एक और इक्वेशन मिल गई, उस इक्वेशन को प्रीवियस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों तरफ उसके आगे का तो जस्ट अभी आपको बता ही दिया मैंने। तो अभी इस वीडियो में हम चार क्वेश्चन, फोर क्वेश्चंस ले रहे हैं और जो आगे के क्वेश्चंस हैं वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। टिल देन जय हिंद।